यहाँ पे अगर पासवर्ड मैच करता है तो बेसिकली हम सक्सेस अभी रिटर्न करेंगे, और अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो हमने यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट को रिटर्न करना है। उसके लिए यहाँ पे इनम हमने बेसिकली उसमें वैल्यू ऐड कर ली है, और अब हम हेल्पर में जाके इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे सेंड बैड रिक्वेस्ट नॉट फाउंड रिक्वेस्ट बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और बैड रिक्वेस्ट, और जो स्टेटस होता है इसका 400 होता है जो कोड होता है, और यहाँ पे आएगा बैड रिक्वेस्ट। दैट्स इट, यहाँ पे वापस आते हैं, रिटर्न एपीआई ऐप हेल्पर सेंड बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनवैलिड वैलिड डिटेल्स और एरर्स में पासवर्ड और उस पे इनवैलिड डिटेल्स, यहाँ पे मैसेज पासवर्ड ओके कुछ ऐप्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ओके हमने ये नहीं यूज़र को बताना कि पासवर्ड सिर्फ गलत है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो जब उनको पता चल जाता है कि ओके ये ईमेल ठीक है, तो वो फिर उस पर जो होता है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं रैंडम पासवर्ड्स के साथ उसको ब्रेक करने के लिए। तो एक अप्रोच ये होती है कि आप पासवर्ड अगर इनवैलिड हो तो 404 का रिस्पॉन्स दे दो, कि यूज़र ही नहीं फाउंड हुआ, कम अज़ कम उसको पता नहीं चलेगा तो वो नेक्स्ट ईमेल पर मूव ऑन कर लेगा। सिर्फ ये एक बेसिक सा एक ट्रिक है, तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ओके यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है लेट्स से ये कर देता हूँ, और अब इनवैलिड डिटेल्स, और अगर पासवर्ड सही करूँगा तो सक्सेस आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमारा सॉरी वो पासवर्ड का एरर आया था सही तरह, जी सही आ रहा। ओके नेक्स्ट, अब लास्ट हमने जो करना है वो इसकी बेसिकली लॉगिन डिटेल्स रिटर्न करनी है। उसके लिए यूज़र मेरे पास पहले ही है, और इसका बेसिकली मैं एक बनाऊंगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि यूज़र को रिटर्न कर रहा होगा, जिसपे के मुझे टोकन रिटर्न करना है और बाकी इसकी चीज़ें रिटर्न करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा सक्सेस ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक और हेल्पर फंक्शन बना लूँगा सक्सेस रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और इसमें एरर्स नहीं होंगे, इसमें डाटा चाहिए होगा, क्योंकि जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है तो हमें एरर नहीं चाहिए, हमें डाटा चाहिए, और एरर्स जो होंगे वो नल होंगे, क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली एरर्स नहीं आए, डाटा आया, तो हम डाटा को यहाँ पे कर देंगे, और सक्सेस इस दफ़ा ट्रू हो जाएगी, मैसेज ये आ गया, रिस्पॉन्स स्टेटस को 200 होता है,
और दैट्स इट। जस्ट इन केस अगर ये क्रिएट की रिक्वेस्ट है और उसमें हमने करना है, तो हम यहाँ पे स्टेटस, मैं चाहूँगा कि हम सेंड कर सकें स्टेटस रिपोर्ट को, और आप उस पर कह सकते हैं कि हम फिर वो चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बेसिकली एक जनरल रिक्वेस्ट बना के, और उसी को चलें फॉलो करते हैं, ताकि डू नॉट, ये चीज़ इतनी रिपीट हो रही है तो हम डू नॉट रिपीट भी जाते हैं। सेंड फेल्ड रिस्पॉन्स, ओके। और ये मैं यहाँ पे जनरल बना रहा हूँ, और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की मैं जो ऑप्शन है वो यूज़र को दे रहा हूँ कि मैसेज कर दे, उसके बाद मैसेज एरर्स, डाटा यहाँ पे नल ही रहेगा लेकिन ऑप्शन हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टेटस, जो मेन मेन फील्ड है वो पहले, लेट्स से के यहाँ पे फेल्ड का है तो मैं जनरल इसको 500 मतलब सर्वर एरर दे रहा हूँ जनरल कोड, और उसमें मुझे अब सर्वर एरर भी चाहिए, और सक्सेस चाहिए, और क्रिएटेड चाहिए, दैट्स इट। या उसको सक्सेस ही रहने दें, कोड को देख के बंदा देख सकता है, दैट्स इट, ओके। और यहाँ पर जो कोड है उसको मैं सर्वर एरर उस पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये दो फील्डें आ गई हैं, इन दोनों फील्डों को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और सक्सेस ये मेनली वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं जो है थी, और एंड पे मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चलें अगर प्रोवाइड करा दें तो हम उसको सेंड कर देते हैं। और एक फिर इसको और ज़्यादा मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, मीन के डू नॉट रिपीट को जितना ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं करते हैं। सेंड रिस्पॉन्स, उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें फिर इससे पहले डाटा आएगा, डाटा नल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड दिस और इसको इस तरह तरतीब कर देते हैं जिस तरह हम यहाँ से पैरामीटर ले रहे हैं, जस्ट इन केस अगर कोई देखे तो चलो उसको एक हिरार्की नजर आए और वो इनोय ना हो इस चीज़ से कि भाई इसमें हिरार्की नहीं है। कोड उसके ऊपर स्टेटस, और उसके बाद सक्सेस एरर्स डाटा के बाद, ओके दैट्स इट, ओके। और अब हम बाकी जगह पे इसको कॉल कर रहे होंगे, ये एरर रिस्पॉन्स है तो हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे बेसिकली इसी को कर लेंगे क्योंकि ये स्टैटिक है, और इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मैसेज डाटा जो है वो नल हो जाएगा, एरर्स ये हो जाएंगे, उसके बाद स्टेटस, और उसके बाद कोड, और सक्सेस फॉल्स हो जाएगी ये। और यहाँ पर अब हम इसको कॉल करेंगे, वंस अगेन डू नॉट रिपीट योर सेल्फ उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने इसको देखना है जितना कर सकें बेहतर। मैसेज नॉट फाउंड, यहाँ रिक्वेस्ट फेल्ड है तो ये सर्वर एरर, सर्वर यहाँ रिक्वेस्ट फेल लिखा देते हैं, रिक्वेस्ट फेल्ड समथिंग वेंट रॉन्ग,
जनरल पर्पस एरर। और इसको क्या मसला, कॉन्स्टेंट एयर प्रेशर कंटेन इनवैलिड ऑपरेशन, किस चीज की बात कर रहे हैं? सर्वर एरर यहाँ पे है कि नहीं है? सर्वर एरर तो है, ये तो ठीक है। वैसे किस चीज से मसला हो रहा है? खैर इसको एक दफ़ा क्लोज करके ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सच मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। फेल्ड रिस्पॉन्स, फेल्ड एरर स्टेटस एंड कोड, यहाँ पर ये फेल्ड का आ गया। और अब इस फेल्ड में यहाँ पर मैंने सेंड करना है नॉट फाउंड मैसेज जो है उसको, एरर्स जो हैं उनको, और नॉट फाउंड का जो स्टेटस है वो 404 देगा, 404, और जो कोड है वो ये हो जाएगा। नॉट फाउंड, ओके। इसी तरह बैड रिक्वेस्ट, उसमें जो होगा जो कोड होगा वो ये हो जाएगा। स्टेटस 400 एरर्स और मैसेज, दैट्स इट। और सक्सेस में वंस अगेन हम इसी को यूज करते होंगे, जिसमें मैसेज आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। इसको यहाँ से क्लोज, डाटा और यूजर के पास एबिलिटी होगी कि वो स्टेटस इसका सेट कर सके, स्टेटस। लेकिन जो जनरल 200 पे होगा, और उसके पास एबिलिटी होगी कि इसका कोड सेट कर सके जो जनरल सक्सेस पे होगा। सक्सेस का कोड सक्सेस से रहने, ओके। सक्सेस ट्रू, एरर्स नल, और दैट शुड बी। अब सिर्फ इस चीज़ की नहीं समझ लग रही कि इसमें क्या गलती हुई है। मैसेज, डाटा, एरर्स, इंट स्ट्रिंग एंड बोलियन। ओके, स्टैटिक, चलें इसको रन करते हैं, होपफुली मोर मैसेज आ जाएंगे। कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन कंटेन इन द वैलिड ऑपरेशन, इसको सर्च कर लेते हैं इस एरर को। और मेरे ख्याल से शायद इसकी वजह से ये कह रहा है। ओके।
ये जो है ये इसके लिए कह लें कि वो नॉन कांस्टेंट वेरिएबल कंसिडर, इसको वेरिएबल की तरह शायद ट्रीट हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू कर दूं तो ठीक है, डन है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी वैल्यू को सेंड करें, हम डायरेक्ट कोड सेंड कर देते हैं और वहाँ पे उसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। ये लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये बेसिकली इसकी टाइप डिफाइन हो गई है कि इस टाइप का होना चाहिए। अगर किसी और टाइप का इसको सेंड करेंगे जैसे कि स्ट्रिंग लेट से, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली एरर देना चाहिए था, जो कि हम जब इसको यहाँ पे कह देंगे और यहाँ पे भी कह देंगे तो फिर ये एरर देने लग पड़ेगा कि भाई ये मुझे इस टाइप का ये चीज़ चाहिए। ओके, तो ये टाइप्स का फायदा है, टाइप सेफ्टी। यहाँ पे हमने क्या करना था, नॉट फाउंड। यहाँ पे बाकियों की भी मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग मिक्स्ड, वंस अगेन मिक्स्ड, एंड दिस एंड बोल। ओके, स्ट्रिंग नेक्स्ट नेक्स्ट, सॉरी इसको नहीं, इसको नेक्स्ट, और ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये नहीं है, यहाँ पे आएगा। और ये हम सेंड कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ये बस इसको करना है, ध्यान करना है इसका एंड, और स्टेटस और कहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ एंड लास्टली, ये यहाँ पे हो गया, दैट्स इट। ओके, ये हमने डिफाइन कर दिए कुछ मेथड्स और होपफुली इससे हमारा काम आसान होगा। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र ले आते हैं, यूज़र वैसे ऊपर लिया हुआ है तो एज सच उसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, ऐप हेल्पर सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स और मेनली डेटा रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, सक्सेस रिस्पॉन्स में मेन जो चीज़ है वो डेटा है ना कि ये चीज़, तो मैं इसको डेटा को पहले लेना चाहूँगा और मैसेज को बाद में, ताकि यूज़र उस चीज़ को सेंड कर सके जो कि ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे मैसेज, वंस अगेन मैसेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एरर्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैसेज की हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एरर्स की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं। ओके, यहाँ पे आ गए और अब क्योंकि ये हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है तो इसको ऐसे ही करते हैं, तो ठीक है, बस ये भी पैटर्न चेंज हो चुका है। और इस पैटर्न को भी हम चेंज कर चुके हैं जिसमें मेनली मैंने जो है यूज़र को रिटर्न करना है, और उसमें हम जनरल पैटर्न यूज़ करते होंगे, आइटम या फिर डाटा, डाटा और डाटा लिस्ट। ओके, डाटा यहाँ पर हम यूज़र यूज़ कर लेंगे
और इसका मुझे एक रिसोर्स चाहिए ताकि मैं इस डाटा को वो कर सकूँ फॉर्मेट। अगर मैं रिसोर्स नहीं यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि बेसिकली अभी तो बैटरी कष्ट आई है क्योंकि पासवर्ड गलत है, लेकिन ये सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, ये डाटा के अंदर डाटा आ गया जो कि एज सच अच्छा नहीं लग रहा, और उससे पहले भी डाटा आना है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। ओके, यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट कह देता हूँ, रिजल्ट रिजल्ट, क्योंकि जो एक्सीएस होगा उसमें रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट रिजल्ट डॉट डाटा, तो ये ज़रा लंबा हो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन एटलीस्ट देख लेंगे। यहाँ पर ये आ गया, और अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटेड एट ईमेल वेरीफाइड और ऑलमोस्ट सारी, यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें होती तो वो भी यहाँ पे आ जानी थी। तो मैं फ्रंट एंड पे वही चीज़ सेंड करना चाह रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो है रिसोर्स का। हम यहाँ पे एक रिसोर्स बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल में आएंगे और PHP आर्टिजन मेक रिसोर्स, और वंस अगेन हम एक डिफाइन कर लेंगे फोल्डर को, कंट्रोलर्स में जैसे था रिसोर्सेज का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे साइंस और यूजर रिसोर्स, ये, और यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर सकते हैं जो कि हो जाएगा यूजर। ओके, मॉडल का ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको रहने दें, वो शायद कंट्रोलर पे एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। यहाँ पे जायंस और ये आ गया रिसोर्स, और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट जो डाटा फॉर्मेट जिसमें चाहते हैं वो हम रिटर्न कर देंगे, जिसमें कि मैं आईडी रिटर्न करना चाह रहा हूँ जो कि हो जाएगी दिस आईडी, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, नेम, ईमेल क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, और ये है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जो कि यहाँ पे मैं बना लूँगा यूज़र रिसोर्स यूज़र रिसोर्स मेक दिस, और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और इतने से आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जब मैं आप कॉल करूँगा, पहले ये वेरीफाइड आ रहा था, अब वो गायब हो गया। और सिर्फ ये नहीं, बाकी भी जो फील्ड यहाँ पे जो डिफाइन नहीं है इस रिसोर्स में वो शो नहीं होगी, चाहे मैं जितनी मर्जी ऐड कर दूँ वहाँ पर। ओके, और लास्टली हमें यहाँ पे टोकन भी चाहिए, ऑथ टोकन, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा यूज़र क्रिएट टोकन जो के यूज़ करेगा इसी नाम को, ऑथ टोकन को, और इसको मैं साथ ही सेंड भी कर दूंगा। सेंड, और ये हमारे पास ऑथ टोकन आ गया। मेनली वैसे इसमें से चाहिए सिर्फ हमें ये प्लेन टेक्स्ट है, बाकी ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं और टोकन कोड उसको यूज करूंगा और उसमें से प्लेन टेक्स्ट निकाल लूंगा, इसको सेंड करेंगे, और ये हमारे पास आ गया, दैट्स इट। ये हमें चीज चाहिए। लॉगिन की हमारी एपीआई कंप्लीट हो गई है, और इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया क्योंकि हमने काफ़ी ग्राउंड अप अपना बनाया, तो इस वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, एक्चुअल लॉजिक काफ़ी कम था, लेकिन चीज़ों को समझना और उनको रिफाइन करना उसमें ज़रा टाइम हमारा ज़्यादा लग गया, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्टर और बाकी जो APIs हैं उनको क्रिएट करेंगे।
ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बेसिकली लारावेल में बैकएंड डेवलपमेंट में एपीआई कंट्रोलर एक बनाया, ऑथ कंट्रोलर, उसमें लॉगिन की जो फंक्शनलिटी थी उसको कंप्लीट किया। एक्चुअल कोड हमारा कम ही था, लेकिन जो हमने जो कोड को समझा, लॉजिक को समझा, उसमें हमारा ज्यादा टाइम सर्व हुआ। कोड को रिफाइन करने के लिए हमने जो हेल्पर फंक्शंस थे उनको डिफाइन किया, इनम को स्टडी किया, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके अलावा सॉफ्ट डिलीट का कॉन्सेप्ट ऐड किया, और भी काफी चीजों को हमने स्टडी किया, और हमने अपनी लॉगिन की एपीआई में जो फंक्शनैलिटी थी उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्टर, लॉगआउट और गेट यूजर की फंक्शनैलिटी को क्विकली फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्राउंडर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना है, वैलिडेट करना है और डाटा को रिटर्न करना है। हमारे पास फंक्शंस वगैरह सारी चीजें रेडी हैं, हमने उनको फाइनलाइज करना है। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वंस अगेन, अगर आपने अभी तक ये कोर्स अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.